हमारे राजस्थान में 2009 से किशोरी बालिका योजना लागू हुई है, जिसके तहत बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आयरन की टेबलेट्स, पीरियड की जानकारी दी जाती है। यह योजना 11 से 18 साल तक की बच्चियों के लिए है। यह योजना आंगनवाड़ी के जरिए जनता में लागू की, लेकिन सही रूप से इस योजना का लाभ खास किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाया है और कई सारी बालिकाएं इस योजना से वंचित रह रही हैं। मैं एनजीओ में काम करती हूँ, वह मैं करौली के वार्ड नंबर 14 में रहती हूँ। मैंने वार्ड नंबर 14-15 में सर्वे किया। सर्वे करने पर मुझे पता चला कि किसी भी परिवार को किशोरी बालिका योजना के बारे में पता ही नहीं है। आपके यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर कितनी दूर है? पास में ही है। आपको किशोरी बालिका योजना के बारे में पता है? नहीं। आंगनवाड़ी सेंटर से किसी ने जानकारी दी आपको? नहीं। आपकी कितनी बच्चियां हैं? आपके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी कोई आई थी क्या बच्चियों के बारे में बताने के लिए? कोई भी नहीं आई। आपको पता है किशोरी बालिका योजना चल रही है उसके बारे में? पता तो है लेकिन किसी ने बताया नहीं। तुम पढ़ती हो क्या? हाँ। कौन सी क्लास में? सिक्स। तुम्हारे यहाँ पे आंगनवाड़ी से कार्यकर्ता सहयोगी कोई आई थी क्या? नहीं, कोई नहीं। तो ये किशोरी बालिका योजना चल रही है उसके बारे में पता है आपको? नहीं। सर्वे करने पर मुझे महिलाओं ने जानकारी दी कि आंगनवाड़ी से टीकाकरण के बारे में ही पूछते हैं, कभी बच्चियों के बारे में नहीं पूछते हैं। माँ की चिंता रहती है कि मेरी बच्ची स्वस्थ रहे, वह शादी के बाद प्रेग्नेंट होने पर किसी प्रकार की बीमारी ना हो एवं बच्चियों को किशोरी बालिका योजना का संपूर्ण प्रशिक्षण मिले, तो माँ की चिंता कुछ कम हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि 11 से 18 साल की किशोरी बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। वह सहयोगी पूर्णतः सर्वे करें और उच्च अधिकारी जो हैं किशोरी बालिका योजना के लिए पूर्णतः मॉनिटरिंग करें। बालिका जो है भारत की शान है। सुनीता कसेरा, इंडिया नेट के लिए।